कलाकार हूँ मैं, सादगी मुझे भाती नहीं। कलाकार हूँ मैं, सादगी मुझे भाती नहीं। अरे मोहब्बत तो हम भी कर लेते हैं यारो, मोहब्बत तो हम भी कर लेते हैं यारो, पर निभानी हमें आती नहीं। वडोदरा की रहने वाली क्षमा बिंदु खुद से ही शादी करने जा रही हैं। उनकी शादी में फेरे तो होंगे लेकिन कोई दूल्हा नहीं होगा। अब सोशल मीडिया पर हर कोई इस अनोखी शादी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों सोलोगैमी शादी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। सोलोगैमी, बता दे कि खुद से ब्याह रचाने वाले को सोलोगैमी कहते हैं। वैसे तो यह अवधारणा पश्चिम देशों में ही प्रचलित थी, लेकिन अब गुजरात की रहने वाली एक लड़की ने इसे भारत में पेश कर हंगामा मचा दिया है। वडोदरा की 24 साल की क्षमा बिंदु खुद से ही शादी करने जा रही हैं। ऐसे में इस शादी को लेकर क्षमा बिंदु को ट्रोल्स भी किया जा रहा है। एक यूजर का कहना है कि आत्मनिर्भरता की भी कोई सीमा होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्षमा बिंदु 11 जून को खुद से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वे खुद को इतना चाहती है कि उन्होंने खुद से ही 7 फेरे और खुद को ही अपना हमसफर चुनने का फैसला किया है। क्षमा ने इस शादी के लिए एक लहंगा भी ऑर्डर किया है। इसके अलावा शादी के कार्ड भी बांटे हैं। अब नेटिजन्स इस शादी को लेकर खास एक्साइटेड है और वडोदरा की 24 साल की क्षमा बिंदु खुद से ही शादी करके भारत का पहला सोलोगैमी शादी का गवाह भी बन जाएंगी। क्षमा बिंदु 11 जून को पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करेंगी। इस शादी में हल्दी मेहंदी जैसे सभी रस्मों को पूरा किया जाएगा। शादी के बाद क्षमा हनीमून के लिए गोवा भी जाएंगी। तो दोस्तों, आपको इस नए तरीके के शादी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।